And let's now get to India Today's mega exclusive. Rajdeep Sardesai spoke with Charanjit Singh Channi, and this was just moments after he was named as the CM face for the Congress. We are here with Punjab's man of the moment. Punjab ke Mukhya Mantri Charanjit Singh Channi hamare saath hai. Channi ji, pehle to bahut bahut badhai. Thank you very much. Ki Rahul Gandhi has chosen you as the chief ministerial candidate. Kya aap hum maan le ab that this battle is over? Ki ab koi battle nahi hoga, kaun banega mukhyamantri agar Congress chunav jeetta hai? नहीं, वो तो डिक्लेयर ही कर दिया है उन्होंने कि हमारा अगला चेहरा जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो मेरा नाम लिया है. तो मैं पंजाब की पब्लिक से पूछकर उन्होंने लिया है. उन्होंने आज कहा भी है कि ये मेरी तरफ से नहीं है. मैंने जो फीडबैक पंजाब से लिया, जो मुझे लोगों ने कहा है, उसके हिसाब से मैं ये नाम डिक्लेयर कर रहा हूँ. तो मैं पंजाब के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ. और मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी का जो एहसास है वो हो रहा है. आप मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि कांग्रेस चाहती है, हाई कमांड चाहती है वीक लीडर, कमजोर नेता जो हाई कमांड के इशारों पर नाचे. इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या अब वो मामला खत्म, क्योंकि आज आप और नवजोत सिंह सिद्धू साथ में दिखाई दिए. क्या हम मान लें कि अब कोई विवाद नहीं होगा? होना भी नहीं चाहिए और ना ही पहले था. मेरी तरफ से कभी मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो मुझे पता नहीं. लेकिन ये है कि हम सब एक हैं. ये मेरा, सिद्धू का, जाखड़ का या किसी विशेष व्यक्ति का महत्व नहीं है. महत्व है कि पंजाब को केजरीवाल जैसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोगों से बचाना है जो पंजाब में आकर पंजाब पे कब्जा करना चाहते हैं. मैं पंजाब पंजाबीयत पे रहे, पंजाब के लोग पंजाब में राज करें और पंजाब की तरक्की हो. ये जो देश के भी विरोधी लोग हैं इनसे पंजाब को बचाना. मैं केजरीवाल पर जी पर एक मिनट में आऊँगा, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि राहुल गांधी को ज़रूरत क्या पड़ी कि यहाँ आना पड़ा और आपका नाम एक तरह से ऐलान करना पड़ा. इसका मतलब है कि पूरी तरह से आम सहमति नहीं बन पा रही थी, इसीलिए राहुल गांधी जी को आना पड़ा और मुख्यमंत्री को एक बार फिर कहना पड़ा कि चरणजीत सिंह चन्नी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे. यानी कहीं ना कहीं अंदरूनी तो विवाद है कांग्रेस में. नहीं, ये नहीं, आप इसको दूसरी एंगल से ले रहे हैं जी. एक्चुअली क्या है कि डिमांड थी कि एक चेहरा दिया जाए आगे के लिए भी. मैं अब तक तो मुख्यमंत्री था, लेकिन आगे के लिए चेहरा किसको दिया जाए? ये सिद्धू की तरफ से भी डिमांड थी, पंजाब की तरफ से भी डिमांड थी. लोग चाहते थे कि ये क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि केजरीवाल जैसे और दूसरे लोगों से भी ये लोगों के मन में डाला जा रहा था कि इनका कोई भी लीडर नहीं है, किसको आगे बनाएंगे, इनमें विवाद है. तो वो विवाद को ख़त्म किया गया है, लोगों से पूछकर जिसको सहमति हुई उस पर एक नाम दिया गया. यानी कहीं और इसके लिए राहुल जी का आना तो मुबारक है. एक बड़ा लीडर, हमारे पार्टी का लीडर आकर यहाँ डिक्लेयर कर रहा है, वो ये आना ही चाहिए था उनको. नहीं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव के बाद MLAs चुनते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री. यानी राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, उनको आना पड़ा ताकि एक ये विवाद एक बार खत्म हो जाए. शायद आपको याद ना हो, लास्ट टाइम भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का राहुल गांधी जी ने ही आकर डिक्लेयर किया था कुछ महीनों पहले. जी बिल्कुल, तो सेम वे आज भी उन्होंने डिक्लेयर किया है. केवल 10-12 दिन पहले रह गए, लेकिन केवल 10 दिन पहले. पिछली बार तो 5 दिन पहले किया था, इस बार तो 15 दिन पहले कर दिया है. चन्नी जी, आपने 2 बार केजरीवाल जी का नाम लिया, लेकिन उनके कैंडिडेट तो एक तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है आप आम आदमी पार्टी आपकी मेन अब ऑपोजिशन बन गई है यहाँ पंजाब में. और दूसरी बात इससे जुट जाती है कि उनका तो कहना है कि भगवंत मान हमारे कैंडिडेट हैं, केजरीवाल जी का नाम आपको बार बार लेने की क्या जरूरत है? क्या आम आदमी पार्टी आपकी मेन ओपोनेंट अब इस चुनाव में है? नहीं, वो हमारी मेन ओपोनेंट नहीं है, लेकिन वो सबसे झूठे हैं. वो झूठ बोलकर आगे आना चाहती है हर बात को. अब आप कह रहे हो कि जी भगवंत मान ही यहाँ का कैंडिडेट है. मैं आगे आपको कोई बोर्ड दिखाऊंगा जिस पे लिखा होगा कि एक मौका केजरीवाल को और भगवंत मान को. भाई केजरीवाल, पहले केजरीवाल लिखा होगा फिर भगवंत मान लिखा होगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल जी खुद पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं. केजरीवाल वांट्स टू बी पंजाब सीएम, वो बाहर से चलाना चाहते हैं. दोनों में से एक बात.
लेकिन वो पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। अभी मैं कोई बोर्ड आएगा उनका तो मैं दिखा दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये केजरीवाल ही यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है और उनको झूठ बोलने की आदत है, बाद में माफ़ी मांगने की आदत है। आपको पता है जेटली साहब पे कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, बाद में माफ़ी मांगी। गडकरी साहब पे कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, बाद में माफ़ी मांगी। और ये नवजोत सिंह क्या मजीठिया पे जो इल्ज़ाम था उसके लिए माफ़ी मांगी। तो एक अगर वो सीएम लेवल के आदमी हैं तो उनको पहले ही सोच कर बोलना चाहिए, पहले इल्ज़ाम लगा देते हैं चुनाव जीतने लिए बंदे का फेस खराब कर देते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ो है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने आप पर गहरे इल्ज़ाम लगाए हैं, कहा है कि ये जो सैंड माफिया है वो आप ही कह कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा है, और उनका कहना है कि ये जितने भी सैंड माफिया है उससे चरणजीत सिंह चन्नी जुड़े हुए हैं, उन्होंने आप पर भी ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने आपको पहले यही निवेदन किया है कि वो पहले बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद माफ़ी मांग लेते हैं गोडे टेक कर, ये उनका रवैया रहा है ज़िंदगी का। लेकिन ये एक इखलाक से गिरी हुई बात है। अब किसी को चोर चोर कहते रहो हर रोज़, लोग समझेंगे शायद यार चोर ही हो, ये वो स्ट्रेटजी है इनकी। नहीं बट व्हेन जब आपका नेफ्यू अरेस्ट होता है और उनके साथ ईडी का कहना है कि रेड में हमें कैश मिला, करोड़ों में कैश मिला, हमें ये कहा जा रहा है कि ये शायद ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए या सैंड माइनिंग से, ये अब ईडी के प्रमाण जब आते हैं और उसके बाद जब ये एलिगेशन होते, तो एलिगेशन में कुछ तो दम होगा। अरे किसी के घर से पैसा मिला है, 10 लोगों के घर से पैसा मिला है जी, और अगर मेरा बीच में एक रिश्तेदार भी है तो मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? उनका कहना ये आपका पैसा है जो आपके भांजे के पास, किसी का रिश्तेदार होता है। अगर कोई मेरा रिश्तेदार भी है, मेरे बहन का लड़का नहीं, मेरे भाई का लड़का नहीं, अगर कोई मेरा रिश्तेदार उसमें है तो उसमें मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? और अभी केस चल रहा है, बात क्लियर होने दो, किसका पैसा कहाँ से आया कहाँ से गया, अभी कोर्ट में है बात, तो अननेसेसरीली मुझे घसीट कर बदनाम करने की क्या जरूरत है? ये जो डॉक्यूमेंट्स जो आप आम आदमी पार्टी ने दिए हैं कि आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंड माइनिंग जो हो रही थी वो आपसे जुड़ी हुई है, आप क्या कहते हैं? कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं दिया, कहीं मेरा नाम हो तो फांसी लगा दो मुझे, वहाँ जाकर किसी खनन पे खड़ा होकर ये चन्नी की खनन है ये क्या तरीका है? ये सारा इमेज टार्निश करने का एक जरिया उन्होंने बनाया, जो आज से पहले 4.5 साल से सरकार चल रही, मेरा नाम क्यों नहीं आया आज तक, तो आज ही क्यों अननेसेसरीली उछाला जा रहा है? क्योंकि उनको ये डर है कि चन्नी अगर रहेगा तो वो जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली मुझे बदनाम करने की, मुझे हर रोज गालियां देते हैं, मुझे हर रोज झूठ बोलते हैं, वो हर रोज कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं अपनी तरफ से, तो लोगों ने मान लिया क्या? एक हमने देखा है पंजाब में बदलाव, ये वर्ड बहुत यूज होता है कि 4.5 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री कांग्रेस का बदलना पड़ा, उसके पहले अकालियों की 10 साल सरकार थी, अब बहुत हो चुका कांग्रेस अकाली, किसी तीसरे फोर्स को मौका देते हैं। आम आदमी पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है और कह रही है बदलाव यानी आम आदमी पार्टी, बहुत हो चुका कांग्रेस, बहुत हो चुके अकाली, आपने दोनों को ट्राई किया, हमें एक बार एक मौका दे दो। अरे बदलाव तो अब बहुत बड़ा आ गया है, रजवाड़ा शाही के घर से ये सीएमशिप की कुर्सी निकलकर आम लोगों के पास जा रही है, एक गरीब घर में पैदा हुआ मुख्यमंत्री बन गया, इससे बड़ा बदलाव और उनको क्या चाहिए? आम आदमी मैं हूँ कि ये लोग हैं? ये कहते हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन रहते हैं बड़े शौक से रहते हैं, ही हैज गॉट लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ एसेट्स, ये उनका कहना है। आम आदमी मैं हूँ कि ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रहे हैं, 40 आदमी वो हैं जिनको टिकट दिया है, वो या तो अकाली दल से आए हैं या कांग्रेस से आए हैं या किसी और पार्टी से आए हैं, तो नई पार्टी कहाँ से हो गई, नया आम आदमी कहाँ से हो गया? जिनको कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया, लोगों ने नहीं संभाला, उसको जाकर टिकट देकर 40% इनके कैंडिडेट वो हैं जो दूसरी पार्टियों से आए और ज़्यादातर उसमें से कांग्रेस पार्टी से गए हैं, तो नई पार्टी बदलाव कहाँ है? वो तो हमारे ही रिजेक्ट क्यों है आदमी राज करने जा रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी पंजाब में
एक उन लोगों का इकट्ठा हुआ समूह है जो पंजाब में कब्जा कर कर लूटना चाहते हैं पंजाब को, जिनको किसी पार्टी ने मुंह नहीं लगाया, वो अब आम आदमी पार्टी का सदस्य और लीडर बनकर पंजाब को लूटना चाहते। आपने कहा राजवाड़े खत्म हो गए, एक तरह से आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जमाना खत्म हुआ, आप उन्हीं के ये देखो उन्होंने खामा के धोखा केजरीवाल के पोस्टर। अरे मैंने आपको पीछे एक पोस्टर था कि दोनों है उस पोस्टर पे भगवंत मान और केजरीवाल फिर भगवंत मान। अरे तेरा क्या है यहाँ पंजाब में भाई। अच्छा ये आपकी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ लेकिन कि आपने कहा राजवाड़े खत्म हो गए, एक तरह से कैप्टन अमरिंदर पर आप इशारा दे रहे हैं जिनकी सरकार में आप शामिल थे। अब ये कहना है कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तब कांग्रेस को कोई बदलाव की महसूस नहीं हुआ, जब चुनाव आते हैं तो उनको लगता है चलो चीफ मिनिस्टर बदलते हैं और अब चन्नी जी को लाते हैं, चन्नी जी को 4-5 महीने मिलते हैं, 4-5 महीने में क्या बदलाव आ सकता है चन्नी जी? अरे मुझे 4-5 महीने नहीं मिले, मुझे 3.5 महीने मिले, 3.5 महीने मिले, 111 दिन मिले। 111 दिन में बदलाव देखो क्या आया, बिजली के बकाए माफ कर दिए, बिजली की रेट सस्ते कर दिए, 3 रुपया पर यूनिट रेट सस्ता किया है और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली पंजाब में है, पानी के बकाए माफ कर दिए और पानी सस्ता किया है, 160 रुपये पर हाउस बिल आता था 50 रुपये आएगा, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है पंजाब में, डीजल 5 रुपये सस्ता किया है, रेता 22 रुपये बिक रहा था अब 5.5 बिक रहा है, कितने आप गौशालाएं हैं, गौशाला के पुराने सारे 22 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, गौशाला को पैसे दिए हैं हर गौशाला को। लेकिन ये सर लेकिन बेरोजगारी बड़ी है, पंजाब नंबर 15 पे है पर कैपिटा इनकम में, एक नंबर 1 स्टेट हुआ करता था, नंबर 15 पे आ गया है, नशा एक बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब में, बेरोजगारी बहुत प्रॉब्लम है, मैं कई युवाओं से मिला हूँ, सब कहते हैं हम पंजाब छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कोई नौकरी का साधन नहीं है। अब बेरोजगारी पे है, 3 महीने में तो इतना जल्दी कुछ हो नहीं सकता था जी, लेकिन हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, एक सरकार की तरफ से गारंटी दी है के सबसे पहले जो साइन होंगे 1 लाख नौकरी निकालेंगे, सीएम बनेगा उसी समय, और साथ ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस तरह की नौकरी दी थी, इस तरह की गारंटी दी थी। यह सुनो जी, उसके वो गारंटी पार्टी की थी, ये सरकार की है, फर्क है। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे जिसने अपना बिजनेस करना है, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे जिसने पढ़ाई करनी है, जिसने बाहर जाकर भी पढ़ाई करनी है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, और नए दूसरे जो अपना कारोबार करना चाहता है उसको स्थापित करेंगे, स्टार्टअप देंगे उसको, और साथ साथ प्राइवेट नौकरियां देंगे, तो ये हमने गारंटी दी है। ये करप्शन की आप गारंटी देते हो मुझे कि जो करप्शन, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है, लोग आम आदमी से बात करो पंजाब में कहते हैं ये जो नेता है सब बड़े करप्ट है, ये सिस्टम चेंज करने के लिए आया हूँ मैं, ये जो करप्ट सिस्टम है इसको ख़त्म करना है, और 3 महीने में पता नहीं कितने आदमी हमने पकड़ पकड़ के अंदर दिए हैं जो रिश्वत लेते थे, और आगे सर 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, मजीठिया जी को कुछ नहीं हुआ, तब तो ऐलान किया था कि हम अमरिंदर सिंह ने जैसे मेरी सरकार बनेगी मैं अकालियों को अरेस्ट करूंगा, सैक्रिलेज केस में मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, कुछ नहीं हुआ 4.5 साल सर। उसने नहीं किया इसीलिए उसको उतारा गया है, मुझे 3 महीने में बनाया गया था, मैंने मजीठिया पे भी पर्चा किया है, नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, और जो हमने नशे पे FIR की है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, और जमानत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट तक मजीठिया को, उसको अब इलेक्शन के बाद अरेस्ट होना होगा, तो ये नशे पे बड़ी कार्रवाई है जो मैंने की है, बेअदबी पे हमारा केस बहुत आगे चला गया है, रेत माफिया पे कार्रवाई हुई है, ट्रांसपोर्ट माफिया में जितनी बादल की बसें बड़ी बड़ी इन्होंने डाली हुई थी सबको थाने में गिराया है। आपने कहा आप सिस्टम कैंसिल किए हैं, यही सिस्टम नहीं, नहीं चन्नी जी आपने कहा आप सिस्टम बदलना चाहते हैं, आपके विरोधी कहते हैं आप ही उस सिस्टम के एक तरह से हिस्सेदार है, तो आप मैं इसलिए मुझे ये दबाया जा रहा है क्योंकि बिजली समझौते जो इन्होंने अरबों रुपया खाकर किए थे जिसमें लूट हो रही थी, किसने, कैप्टन साहब ने या अकालियों ने, बादलों ने,
अच्छा, वो अकालियों ने विधानसभा बुलाकर स्पेशल सेशन बुलाकर रद्द किए हैं बिजली समझौते, तभी बिजली सस्ती हुई है पंजाब में। अब इसी तरह रेत माफिया, इसी तरह नशे पे कार्रवाई, मजीठिया पे कार्रवाई, इसी तरह ट्रांसपोर्ट माफिया पे कार्रवाई, इसी तरह जो लोग घूस लेते हैं उनको पकड़ के अंदर किया है। ये 3 महीने में काम किए हैं, अगर 5 साल मिलेंगे फिर सिस्टम चेंज हो जाएगा सारा। पर आपके दोस्त या आपके पंजाब कांग्रेस के चीफ नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग पर करप्शन हो रही है, अभी भी उसी तरह की करप्शन, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं अभी भी चल रहा है, इसीलिए वो गुस्से में है। आज भी वो हमारे साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। रहेंगे सिद्धू जी आपके साथ रहेंगे, आपको लगता है रहेंगे और सरकार में भी होंगे, और उनके जो उनका मॉडल है, जो वो चाहते हैं, जिसको गलत है, जो उसको कार्रवाई कराना चाहते हैं, वो सब करें। वो आपके अंडर काम करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू? मेरे अंडर नहीं होंगे, पार्टी प्रेसिडेंट हैं जी, वो पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन ये अंडर और अपर हैंड की बात नहीं होती, एक टीम वर्क होता है, हम मिलकर टीम वर्क करेंगे। एक बड़ा सवाल जो है कि आप पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री बने, इसका कितना, आज भी राहुल गांधी कह रहे थे गरीब तबके से व्यक्ति को हमने मौका दिया है, क्या आप मानते हैं 32% पॉपुलेशन है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या बदलाव की राजनीति है, कि एक नया समीकरण आप चाहते हैं पंजाब की राजनीति में? मैंने आपको पहले भी बताया कि एक रजवाड़ा शाही एलीट क्लास है जो बहुत अमीर लोग हैं, उनकी जात धर्म राजनीति सब एक है, उनकी जात भी अमीरी है, उनका धर्म भी अमीरी है, वो इकट्ठे होकर लगातार राज कर रहे थे, उसको ब्रेक किया है। अब आम लोगों के पास सरकार आई है, आम लोगों के घर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं, तो अब जो सिस्टम चेंज होया है, ये बदलाव आ गया है, इसी बदलाव को लोग चाहते हैं। ये आम आदमी वाले ये बदलाव नहीं आना कि जी आप भगवंत मान को आम आदमी नहीं मानते हैं। अरे सुनो, वो क्या है, सब पार्टियों से रिजेक्ट किए हुए आदमियों का इकट्ठा कर लिया और फिर कह रहे जी ये आम आदमी पार्टी है। अरे पहले कांग्रेसी होता है बंदा, पहले अकाली होता है, केजरीवाल आकर एक जादू की छड़ी घुमाता है, वो ईमानदार हो जाता है। ये दलित कार्ड, मैंने फिर ये क्या आप दलित कार्ड खेल रहे हैं एक तरह से इस चुनाव में कि 32% वोट कांग्रेस की तरफ आ जाए? ऐसा नहीं है, मैंने फिर कहा ये अमीर, बड़े अमीर और बड़े लोगों के साथ लड़ाई है जी, आम आदमी की है, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। गरीब जनरल कैटेगरी में भी है, वो भी गरीब है, मिडिल क्लास जनरल कैटेगरी में है, वो भी मिडिल क्लास है, दलितों में भी गरीब हैं, मिडिल क्लास भी हैं दलितों में, ये जितना लोग हैं आम लोग हैं, इन सब की सरकार आएगी, चाहे वो किसान है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे दलित है, मजदूर है, यानी आप जनता के सामने इस बात को लेकर नहीं जा रहे कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी दलित परिवार से आता हूँ इसलिए मुझे नियुक्त किया गया है? ऐसा नहीं, इसलिए मुझे नियुक्त भी नहीं किया गया, पंजाब के लोगों से पूछा गया है, ओवरऑल सबसे पूछा है, मैंने जितने काम किए हर वर्ग के लिए किए हैं, और पूरी पंजाब की जनता ने अगर मुझे चुनने को कहा है तो मैं सभी का हूँ। ये आपकी और नरेंद्र मोदी जी की रिलेशनशिप, क्योंकि जो बवाल उठा था सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं एक बार फिर, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसी चलेगी चन्नी जी, कांग्रेस आपके बीच और मोदी जी के बीच एक अविश्वास नजर आता है, दोनों में विश्वास नहीं है एक दूसरे पर? ऐसा नहीं है, मैंने प्रधानमंत्री की सेहत के लिए भी कामना की है और मैं उनको प्यार भी करता हूँ, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि उनका सत्कार करूँ, वो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं करूँगा भी। पर जो हुआ कुछ हफ्तों पहले, क्या आपको उसका रिग्रेट है जिस तरह से वो हुआ? मैंने पहले कहा था कि जो हुआ उसका हमें खेद है और मैंने खेद भी किया है, लेकिन साथ मैं ये भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जिंदगी हमारे लिए कीमती है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले, गोली आएगी तो मेरी छाती पहले होगी, ये मैं पहले तो कई बार रिपीट कर चुका सर, कई और साथ किसी ने डंडा नहीं मारा, किसी ने कंकर नहीं फेंका, किसी ने नारा नहीं मारा, कोई खतरा नहीं हुआ, देयर वाज नो थ्रेट, नो सिक्योरिटी थ्रेट, है ही नहीं था कुछ ऐसा, तो ये क्या बनाया गया प्रधानमंत्री ने? ये तो आप जानो, लेकिन वहाँ
जो रैली थी वो खाली थी, कुर्सियां नहीं थी, प्रधानमंत्री जी ने वापस जाना ही था, 10 किलोमीटर पीछे से चले गए तो कोई बात नहीं। एक कहा जा रहा है, ओपिनियन पोल्स में देखता हूँ, ज्यादातर ओपिनियन पोल्स हंग असेंबली की तरफ इशारा दे रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी नंबर वन है, कुछ में कांग्रेस नंबर वन है। अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो क्या होगा पंजाब में? कॉकटेल बनेगा? किस तरह का कोलिशन बनेगा? क्या उसी आम आदमी पार्टी जिसको आप अभी कोस रहे हो उसके साथ कोई समझौता करेंगे या किसी और के साथ? देखिए, हम 2/3 मेजोरिटी से जीतने वाले हैं। 2/3? 2/3 मेजोरिटी आएगी। मैं लिख लूं 2/3? लिख लो, उसके बाद मिलना, आपको दिखा दूंगा। कहां से ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रही है कि 2/3 मेजोरिटी आएगी? कॉन्फिडेंस मैं अभी आपको आगे जो मुझे लोग मिलेंगे जी उनमें कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा कैसे है। मैंने सुना है कि आप आज तो कितने बजे हैं, 8 बज गए हैं, लेकिन मैंने सुना है आप 2-3 बजे तक लगातार कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करते रहते हैं, कहाँ से ये सीक्रेट क्या है आपकी एनर्जी की चन्नी जी? क्या आपने तय किया है मेरे पास है ये 10-12 दिन, जो भी करना करो या मरो? ऐसा है, मैं आज से नहीं, शुरू से ऐसे ही काम करता हूँ। 111 दिन मुख्यमंत्री रहा हूँ, ना सोया हूँ ना सोने दिया है। 3 शिफ्टों में मेरे अफसर मेरे साथ काम करते थे। मैं हर रोज ही 2-3 बजे तक लोगों को मिलता हूँ और सुबह फिर शुरू हो जाता हूँ, ये मेरी लाइफ का रूटीन है। सुबह कितने बजे? मैं सारा दिन पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। काम आप सोते हैं 2-3 बजे, उठते कितने बजे चन्नी जी? आप मेरे साथ रहो 2-4 दिन आपको पता चलेगा, सुबह से ही शुरू हो जाता है काम जल्दी से। मैंने सुना है क्योंकि आप अभी माथा टेकने गए थे नानक सर, यू आर वेरी गॉड फियरिंग, तो चुनाव के पहले आप हर गुरुद्वारा जाते हैं, हर डेरा जाते हैं, वुड आई बी राइट इन सेइंग चरणजीत सिंह चन्नी वेरी गॉड फियरिंग पर्सन? बिल्कुल, मेरी श्रद्धा है परमात्मा में और मैं परमात्मा को मानता हूँ। तो क्या परमात्मा ने कहीं आपको कहा डोंट वरी चन्नी जी, 2/3 मेजोरिटी आ रही है? मेरा आपकी कृपा से हाँ सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे वाह, एक बार फिर बताइए। मेरा आपकी कृपा से हाँ सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आप यानी आम आदमी पार्टी या आप? कृष्ण जी की बात है, कृष्ण जी की बात है। देखिए चन्नी जी, आखिर में ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है, क्योंकि दूसरे किसी उत्तर भारतीय राज्य में कांग्रेस की इस समय, राजस्थान को छोड़िए, छत्तीसगढ़ तो मध्य भारत आ गया, सरकार नहीं है। क्या आप मानते हैं दिस इज डू और डाई बैटल फॉर कांग्रेस? अगर ये आप चुनाव किसी भी तरह से हारते हैं तो ये केवल आपकी हार नहीं होगी, आपके हाई कमांड की भी हार होगी, क्योंकि उन्होंने अमरिंदर सिंह को बदल के आपको मुख्यमंत्री बनाया। अरे अमरिंदर सिंह जी बीजेपी में चले गए हैं जी, एक भी सीट बीजेपी को पंजाब में आने वाली नहीं है, एक भी नहीं आएगी, एक भी नहीं। अमरिंदर सिंह की खुद की जमानत जब्त होने वाली है, तो अमरिंदर सिंह को हम रख कर क्या करना था? आप हमारे लिए अच्छा हो गया चले। एक अमरिंदर सिंह एक जमाने में आपके बड़े नजदीक हुआ करते थे। सुनील जाखड़ ने यह कहा है कि जब वोट हुआ MLAs का कि कौन चाहिए, केवल 2 वोट चन्नी जी को मिले थे, उनको सबसे ज्यादा मिले थे। यही तो परेशानी है पंजाब में, आपके सब लीडर्स कहते हैं मैं भी बनना चाहता हूँ मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है, मैं उम्मीदवार ही नहीं था कभी जी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैं तो सबसे पीछे बैठने वाला बैक बेंचर थे और मुझे आगे बुलाकर बिठा लिया गया। अब ये तो गुरु की कृपा है या पब्लिक की कृपा है या पार्टी की कृपा है, क्योंकि ये तो परमात्मा का ही कोई खेल है जो मेरे से ये कोई सेवा लेना चाहती। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? एक नंबर वन मुद्दा, हाँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे शतर तरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद कहूं से ना डरे। अरे वाह, मुझे लगता है आप और भगवंत मान में एक डिबेट होना चाहिए, वो भी बड़े वन लाइनर्स कहते हैं। वो चुटकुले सुनाता है, मैंने आपको बाणी गुरबाणी सुनाई है। वो चुटकुले सुनाते हैं, आप गुरबाणी सुना रहे हैं। आपको भगवंत मान से ये कोई कि वो एक फोक हीरो अपने आप में बन गया है, कहीं ना कहीं क्या ये कॉम्पिटिशन है कि असली आम आदमी कौन, चरणजीत सिंह चन्नी या भगवंत सिंह मान? अरे वो एक सेलिब्रिटी बंदा है और वो पब्लिक में आने वाले नहीं होते सेलिब्रिटी। ये सेलिब्रिटी अपने आप को दूर रखते हैं पब्लिक से,
तो कहीं कहीं मिलते हैं लोगों को, कभी कभी चेहरा दिखाते हैं, और कुछ गाने वाले या चुटकुले सुनाने वाले होते हैं जो शराब पीकर स्टेज पे जा सकते हैं, और स्टेज चलाने में और स्टेट चलाने में बहुत फर्क है। मैंने उनसे पूछा ये कि आप पर आरोप लगता है कि आप शराब पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये सब छोड़िए, ये केवल मुझे बदनाम करने के लिए चन्नी जी कहते हैं, असलियत ये है कि चन्नी जी और कांग्रेस को तजुर्बा है करप्शन करने का, हमें तजुर्बा है लोगों के साथ असली नियत के साथ काम करना। नहीं, उनका कहना ये शराब पीने का, शराब पीना और अच्छे गवर्नेंस में कोई ये मिलाप नहीं है। अगर मैं उनका कहना है, मेरी नीयत साफ है, कांग्रेस और अकालियों की नीयत साफ नहीं है। अरे सुनो, पार्लियामेंट और गुरुद्वारा या मंदिर, ये दो हमारे लिए पवित्र स्थान है, या असेंबली लगाओ जहाँ राजनीति में पार्लियामेंट पवित्रता है और धर्म में गुरुद्वारा मंदिर है। तो पार्लियामेंट के जो इनके साथ बैठते थे एमपी, इन्हीं के पार्टी के, उन्होंने स्पीकर को लिख कर दिया कि जो मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट भगवंत मान बैठते हैं, जब मैं आकर बैठता हूं तो उनसे बहुत बड़ी गंध आ रही होती है शराब की, मेरी सीट चेंज कर दी जाए। ये पवित्रता है। और सुनो, गुरुद्वारा में स्टेज लगी तो ये महाशय जी पूरे टल्ली होकर शराब पीकर चले गए, तो सारी संगत इनके पीछे पड़ गई कि तू शराब पीकर क्यों आया गुरु के पास, तो इनको वहाँ से भागना पड़ा। दो कुछ दिन पहले इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें से जितने निकले, एक गाड़ी पलट गई, परमात्मा की कृपा से बच गए, लेकिन जितने बीच में से निकले सारे शराबी थे। अरे ये ऐसे चलेगा स्टेट? कौन चलाएगा स्टेट? नहीं, उनका कहना है आप हमें शराबी कहते हो, ये सब भ्रष्ट है। उन्होंने आप पर भी ये इल्जाम लगाया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनका ये मेरा भ्रष्टाचार कहाँ है? नहीं, आर यू रेडी फॉर अ फुल इंक्वायरी इन दिस ईडी केस? ये जो ईडी केस चल रही है, यू रेडी फॉर अ फुल इंक्वायरी? मैं रेडी नहीं हूँ, वो चल ही रही है, मेरे कहने से ना रुकनी है ना जानी है। आपको डर तो नहीं है कि आपका आपको भी अरेस्ट कर सकती है? अगर मैं इसमें होता तो अब तक मुझे कर लिया होता पहले दिन ही। पहले दिन वो लड़के को भी इसलिए छोड़ गए कि कुछ मिला ही नहीं उसके खिलाफ। नहीं, पर उसके पीछे कौन है फिर? उसके पीछे आपको पता है, जो जितना ये माफिया है, जो लोग कहते थे कि रात को किसानों पे डंडे चलाओ और गोलियां चलाओ, नहीं चलाई मैंने, अब उनका केस अलग है, लेकिन ये तो हर तरीके से मुझे टारगेट करने के चक्कर में है। नहीं, कौन? सेंटर, सेंटर की सेंट्रल एजेंसियां जितनी हैं सब पीछे लगी हुई हैं, सब रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल्स की, घर वालों के साथ पीछे पड़े हुए हैं। बट देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर ना, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से ईडी आई है आपके रिश्तेदारों के पास। सही ना, चुनाव आ गया है, ये पूरा चुनाव से जुड़ा हुआ है। जब महाराष्ट्र में चुनाव आया था तब नहीं गई थी ईडी, जब तमिलनाडु में चुनाव आया तब नहीं गई ईडी, अब पंजाब में आ गया तो यहाँ क्यों नहीं आएगी? फितरत है इनकी। चन्नी जी, आखिर में ये, जैसे मैंने कहा, ये डू और डाई चुनाव लगता है आपके लिए, पार्टी के लिए, क्या कहेंगे आज जो आपके दर्शक हैं या आपके विरोधी भी हैं, उनको आप क्या आखिरी मैसेज क्या देंगे रिलेटिंग अबाउट दिस डू और डाई बैटल? इस बैटल जो है आपने, ये जो लड़ाई, ये जंग छेड़ी है, जो आपके विरोधी आपके खिलाफ आपको भ्रष्ट कहते हैं या आपके कहते हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, बड़े अच्छे जिंदगी जीता है, क्या कहेंगे उनको? देखिए, ये मेरे लिए किसी ओहदे की अहमियत नहीं है, ये पूरे पंजाब की लड़ाई है और पंजाब को आगे लेकर जाना है, पंजाब को सही नेतृत्व देना है, एक ट्रांसपेरेंसी देनी है, पंजाब में हर लोग सुरक्षित हों, आपस में प्यार रहे, सद्भावना रहे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक नेशनलिज्म का हमें देखना है कि बॉर्डर स्टेट होकर हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, एक मजबूत सरकार और स्टेबल सरकार हम देना चाहते हैं, उसके लिए मैं सबको निवेदन करूंगा कि हमें। आपकी सरकार रिमोट कंट्रोल रहेगी दिल्ली से? क्या राहुल गांधी और हाईकमांड चलाएगी या चरणजीत सिंह चन्नी चलाएंगे? अभी नहीं, रिमोट कंट्रोल से हुई 111 दिन हमने खुद चलाई है। किसी ने आपको इशारे नहीं दिए दिल्ली में? आप दिल्ली से आप कठपुतली नहीं थे?
पूरा कैबिनेट हमारा एकजुट होकर सरकार चलाता था और सरकार हम कैबिनेट और सारे मिलकर चलाएंगे पंजाबी बाहर से ना इशारा हुआ ना हो। मैं आखिर में पूछूंगा, लोग आपको नेता की तरह आप जानने लगे हैं, व्हाट इज चरणजीत सिंह चन्नी जब आप नेतागिरी नहीं करते, क्या चीज शौक क्या है आपके? मेरा शौक पब्लिक में रहना है बस, और मैं कोई नेतागिरी नहीं करता, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, वर्कर के तौर से ही रहा हूँ और सीएम भी रह लिया हूँ, ऑपोजिशन लीडर भी ले रहा हूँ, 3 बार एमएलए भी रहा हूँ, 2 बार म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेरे पास यही कंबली होती है और यही कुर्ता पजामा होता है और मैं लोगों में रहकर ही खुश हूँ। मुझे नेतागिरी नहीं चाहिए, मुझे ये सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अभी गालियां देकर हटाऊं इन सबको कि मेरे से पीछे हट जाओ भैया, क्यों मेरी जिंदगी खराब की है। अब आप अरविंद केजरीवाल जैसे बात कर रहे हो, वो भी इसी तरह से बात करते थे जब वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं। मैं मुझे उसके साथ मत मिलाओ क्योंकि मैं उस जैसा नहीं हूँ, ना तो मैं फटी हुई कोटी डालता हूँ, ना ही मैं फटे हुए बूट डालता हूँ, डालता हूँ, ना ही मैं पहले होटल में रहकर बाद में 3 प्लेट बैठ जाता हूँ। मेरी जिंदगी अपने तरह से सादेपन की है, मैं वैसे ही रहता हूँ। अभी मैं बल्ला गुरुद्वारा गया था, वहाँ धरती पे सबसे पहले मुक्त गया था। मेरी जिंदगी अपने तरीके से साथ में है, मुझे डुप्लीकेट बनने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं नकली दिखावा करता हूँ। क्या केजरीवाल के पास 2-4 हजार रुपया नहीं है कि कोटी खरीद ले, 2.5 लाख की तो तनख्वाह भी है ना, लेकिन वो फटी हुई डालकर आता है, फटे हुए जूते चप्पल डालकर आता है, उसके पास जूते नहीं है क्या? मैं भेज दूंगा 2-4 जोड़े। लेकिन ड्रामा नहीं चाहिए जिंदगी में, असलियत चाहिए। केजरीवाल में असलियत नहीं है, यही फर्क है मेरे और उसमें। चलिए, आप हमें कह रहे हैं कि आप असली आम आदमी है, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको वोट दे। 10 तारीख को 12 बजे पता चलेगा चरणजीत सिंह चन्नी, 10 मार्च को कि क्या होगा, किस तरह हवा जाएगी, क्या 2/3 मेजॉरिटी मिलती है या कुछ पंजाब में कुछ और चमत्कार होता है। बट आपने हमें समय दिया और मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, एक रैली से दूसरी रैली जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज हिज फर्स्ट बिग इंटरव्यू सिंस बींग चोजन बाय राहुल गांधी एज द चीफ मिनिस्टर फेस ऑफ द कांग्रेस इन पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी। राजदीप सरदेसाई ऑन द रोड टू लुधियाना फॉर इंडिया टुडे।